क्यों कह रहा हूँ गाइस, जस्ट लुक एट द बाइक, इसकी डिज़ाइन, इसकी प्रोपोर्शन, इसकी कंफर्ट गाइस, सब कुछ एक परफेक्ट क्रूज़र बाइक की रिजेंबल करती है। वैसे ये है भी एक परफेक्ट क्रूज़र बाइक ही। सो है गाइस, मोटो व्लॉग इंडिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, थैंक्स टू रॉयल इनफील्ड जिन्होंने हमें ये बाइक रिव्यू करने के लिए दिया। शोरूम की सारी डिटेल्स गाइस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको शोरूम के सारे डिटेल्स मिल जाएगी। और आज हमारे पास है रॉयल इनफील्ड की सुपर मिट्योर 650। और इस वेरिएंट की बात करें गाइस, तो ये है इंटरस्टेलर वेरिएंट। इसके डायमेंशन से शुरू करें गाइस, तो यहाँ पर आपको लेंथ जो मिलती है वो मिलती है 2260 mm की। इसकी विथ जो मिल जाती है गाइस, वो है 890 mm की। और इसकी हाइट मिलती है गाइस 1155 mm। साथ ही इसकी व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 1500 mm की व्हील बेस। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 135 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। थोड़ी कम है गाइस, एक क्रूज़र बाइक के लिए थोड़ी सी तो कम है। साथ ही इसकी कर्व वेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 241 kg की कर्व वेट मिलती है। ये रॉयल इनफील्ड की अब तक की सबसे हेवी बाइक है। इसकी सीट हाइट की बात करें तो वो आपको मिल जाती है 740 mm की, काफ़ी लो है। फ्रंट से शुरू करते हैं गाइस, तो हेडलाइट की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फुल LED सेगमेंट फर्स्ट गाइस, रॉयल इनफील्ड की इतिहास में सबसे पहले आपको यहाँ पे LED हेडलाइट मिली है, इसी में रॉयल इनफील्ड सुपर मिट्योर 650। यहाँ पर गाइस आपको लो बीम मिल जाती है ऊपर की साइड, और नीचे की तरफ आपको मिलती है हाई बीम। और यहाँ पर दोनों साइड आपको DRL मिल जाती है, छोटी छोटी है, दिखेगी नहीं गाइस आपको, शायद मे भी दिख रही होगी। इसकी सराउंडिंग की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश में सराउंडिंग मिल जाती है हेडलैम्प की। इसकी इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर आपको बल्ब इंडिकेटर मिलती है गाइस, अभी भी विथ ब्लैक सराउंडिंग के साथ। साथ ही इसकी सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर गाइस आपको 43 mm की अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक फॉक मिल जाती है ना, जो कि शोवा ब्रांड की तरफ से आती है। और इसकी ट्रैवल की बात करें तो यहाँ पर आपको 120 mm की ट्रैवल मिल जाती है। उसके नीचे की तरफ आए गाइस, मडगार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको मेटल में मडगार्ड मिलती है, और ये जो पार्ट है गाइस ये भी आपको मेटल में ही मिलता है। इसकी टायर और ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 100x19 inch की आपको टायर मिल जाती है, जो कि C8 की आती है, ट्यूबलेस टायर। और यहाँ पर गाइस आपको 650 सेगमेंट में पहली बार आपको मिल रही है अलॉय व्हील्स, जो कि आप देख सकते हैं। इसकी ब्रेक्स की बात करें, डिस्क की बात करें तो यहाँ पर आपको 320 mm की डिस्क मिल जाती है विथ ABS, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ABS रिंग है। और यहाँ पर जो आपको ब्रेक मिलती है वो मिल जाती है बाइब्री की डुअल पिस्टन कैलिपर वाली ब्रेक। साथ ही इसकी रेयर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस ट्विन शॉक एब्जॉर्वर विथ प्री लोड एडजस्टर मिलती है। और इसकी ट्रैवल की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 101 mm की ट्रैवल। साथ ही इसकी रेयर टायर और डिस्क की बात करें ब्रेक्स की, तो यहाँ पर आपको 150 AT B16 की आपको टायर मिल जाती है। यहाँ पर भी C8 की आपको ट्यूबलेस टायर मिलती है। और इसकी डिस्क की बात करें तो यहाँ पर आपको 300 mm की डिस्क मिल जाती है विथ ABS। यहाँ पर गाइज आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। और गाइज यहाँ पर जो आपको डिस्क मिलती है ना 300 mm, भाई किसी किसी बाइक में तो फ्रंट में 300 mm की डिस्क आती है, यहाँ पर आपको रेयर में डिस्क मिलती है 300 mm की। इसकी साइड व्यू की बात करें गाइस, तो आइए टैंक से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड की 3D में बैजिंग मिलती है गाइस, काफ़ी खूबसूरत है, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको डुअल टोन फिनिश मिलती है गाइस, ग्रीन, ब्लैक एंड येलो, एक तरह से ट्रिपल टोन हो गई। यहाँ पर गाइस आपको फ्यूल कैप मिल जाती है। इसकी टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 15.7 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है। और यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड की स्टिकरिंग मिल जाती है। इसकी थोड़ी नीचे की तरफ आए गाइस, तो यहाँ पर भी आपको मेटल मिलती है, बस यहाँ पर गाइस आपको थोड़ा प्लास्टिक का इंसर्ट मिलता है, लेकिन बाकी हर जगह यहाँ पर भी मेटल है शायद गाइस। और यहाँ पर आपको सुपर मिट्योर 650 की स्टिकरिंग मिल जाती है। थोड़ी आप पीछे की तरफ आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड मिलती है, एग्जॉस्ट मिल जाता है गाइस, आपको दोनों तरफ एग्जॉस्ट मिलती है, वो भी क्रोम में। मैं आपको एग्जॉस्ट की साउंड सुनाऊँगा अभी। और यहाँ पर गाइस आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है फुटरेस्ट में भी, सामने की फुटरेस्ट में भी आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है। अब इसकी एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट ऑन करके सुना देता हूँ।
गाइस, लिटरली काफ़ी लाउड है इसका एग्जॉस्ट, सुन के मज़ा सा आ गया गाइस। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सुपर मिट्योर की आपको स्टिकरिंग मिल जाती है, और यहाँ पे इंजन में आपको रॉयल इनफील्ड की काफ़ी खूबसूरत में गाइस स्टिकरिंग तो नहीं कह सकते, ना ही बैजिंग कह सकते, मेटल में ही कुछ है। साइड की बात कर ही रहे हैं गाइस, इसकी सीट की बात कर ही लेते हैं। यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट मिलती है गाइस, लेकिन आपको यहाँ पर पीछे की तरफ बैकरेस्ट नहीं मिलती है पिलियन के लिए, लेकिन गाइस जो सीट है वो काफ़ी वाइड है और काफ़ी कंफर्टेबल है, लिटरली मज़ा ऐसा आ गया गाइस। इसकी रेयर की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको LED टेल लैंप मिलती है जो कि आप देख सकते हैं। उसके नीचे की तरफ आएँ तो ब्लिंकर्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको बल्ब टाइप इंडिकेटर मिल जाती है विथ पियानो ब्लैक फिनिश, आप देख सकते हैं गाइस। साथ ही उसके नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको LED लाइट मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए। और इसकी चेन की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस आपको ओपन सिस्टम चेन मिल जाती है, जिसको आपको 500-600 में तो साफ तो करना ही पड़ेगा। इसकी फ्रेम और स्विंग आर्म की बात करें, तो फ्रेम की बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पर गाइस आपको स्टील ट्यूबुलर स्पाइन फ्रेम मिलती है, और इसकी जो स्विंग आर्म है वो आपको मिल जाती है बॉक्स टाइप स्विंग आर्म। इधर से आपको शायद नहीं दिख रही होगी, इसमें आपको राइट साइड से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बॉक्स टाइप स्विंग आर्म मिलती है। अब आते हैं गाइस, अब बात करते हैं इसके हैंडल बार और फीचर्स की। तो लेफ्ट से शुरू करें, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है क्रोम में मिरर, ओके आप देख सकते हैं। इसकी क्लच लीवर की बात करें, तो यहाँ पर ना गाइस आपको एडजस्टेबल क्लच लीवर मिलती है। यहाँ पर आपको एक नोब मिल रहा होगा जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं क्लच को, ठीक है। साथ ही यहाँ पर गाइस आपको ना एल्यूमिनियम सैटिन फिनिश में मिल जाती है गाइस, काफ़ी मस्त लग रही है, प्रीमियम लग रहा है गाइस एकदम। और यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पर आई बटन मिलती है। साथ ही यहाँ पर गाइस आपको हेडलैम्प को हाई बीम, लो बीम और पास की स्विच मिल जाती है। उसके नीचे आपको टर्न इंडिकेटर की स्विच मिलती है, और उसके नीचे आपको हॉर्न मिल जाती है। राइट साइड की तरफ आए तो यहाँ पर गाइस आपको फ्रंट ब्रेक ऑयल की कंटेनर मिलती है। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और उसके नीचे फोकस कर ले, उसके नीचे गाइस आपको मिलती है हैजार्ड की बटन। अब इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करते हैं, तो यहाँ पर ना गाइस आपको सेमी डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलती है, जिसमें आपको ये ऊपर में जो एनालॉग है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाती है, फ्यूल गेज मिलती है यहाँ पर गाइस, गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिल जाती है, ओडोमीटर, और आप यहाँ पर आपको टॉगल करने के लिए जो बटन बताया था गाइस, उससे आप टॉगल भी करके देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर मिल जाती है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडो एंड दैट्स इट गाइस। साथ ही यहाँ पर आपको टाइम भी मिलता है गाइस, और इको मोड है यहाँ पर गाइस। अब यहाँ नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर आपको बैटरी इंडिकेटर मिल जाती है, न्यूट्रल की इंडिकेटर, ABS, इंजन मैलफंक्शन की लाइट और लो फ्यूल इंडिकेटर। एक बार मैं इसको आपको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ, फिर से ऑन करके, ठीक है। यहाँ पर देखिए लो फ्यूल की इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाती है, और यहाँ पर पता नहीं इंजन फ्यूल की इंडिकेटर मिलती है मे बी। और यहाँ पर गाइस आपको ट्रिपल नेविगेशन मिलती है, जिसमें आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कॉल, SMS और टर्न बाई टर्न नेविगेशन कर सकते हैं। और हाँ गाइस, यहाँ पर जो आपको ब्रेक लेवर मिलती है ना, वो भी एडजस्टेबल मिलती है, आप देख सकते हैं। इसकी इंजन की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको 648 cc की डुअल सिलेंडर पैरेलल ट्विन 4-स्ट्रोक एयर ऑयल कूल्ड FI BS6 इंजन मिलती है। इसकी मैक्स पावर और मैक्स टॉर्क की बात करें, तो इसमें जो पावर आपको मिलती है 47 PS की पावर एट 7250 RPM में, और इसकी जो टॉर्क की बात करें तो वो आपको मिल जाती है 52.3 Nm की एट 5650 RPM में। अब इतनी बड़ी इंजन है गाइस, तो ऑब्वियस सी बात है गर्म तो होगी, तो उसके लिए यहाँ पर आपको रेडिएटर मिल जाती है जो कि आप देख सकते हैं। साथ ही इसकी गेयरबॉक्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड की गेयरबॉक्स मिल जाती है। प्राइस की बात करें, तो ये आपको एक शोरूम रांची में मिल जाती है गाइस 3,68,900, और ऑन रोड प्राइस की बात करें रांची में, तो वो मिलती है आपको 4,19,402 रुपीज़। सो गाइस, पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो अगर मेरे पास पैसे होते ना गाइस, तो मैं ही ले लेता, इतनी खूबसूरत दिखने में लगती है गाइस ये बाइक। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी वीडियो आने वाली है चैनल में। इसकी एक टॉप एंड मॉडल और इसकी एक बेस मॉडल के भी वीडियो जरूर बहुत जल्द आने वाली है,
तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय भारत।